हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइस यू ऑलरेडी नो कि अकाउंटेंसी का एक वीडियो कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है काफी सारे लेक्चर्स उसके अंदर हमने कवर अप किए हैं नाउ आई एम ब्रिंगिंग दीज एमसीक्यू क्लासेस आल्सो फॉर यू ठीक है Now, you, जिसके अंदर हम सिलेक्टेड एम को कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द एग्जाम टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है और डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के अंदर क्योंकि हर क्वेश्चन के हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे बिल्कुल से आपको आज की क्लास के अंदर में ताकि आपको एक आइडिया लगेगी क्वेश्चंस जो होते हैं अकाउंटेंसी में से ऐसा नहीं है कि वो आपसे सी ए लेवल के क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी के अंदर तो वो मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे और अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल पे अकाउंटेंसी की लेकर के चलेंगे तो इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे एमसीक्यू कोर्स की अगर मैं बात करूं जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी का एमसीक्यू कोर्स है वो एमसीक्यू कोर्स आप लें उसको परचेज करें वो एक अलग चीज है यहाँ पर जो एमसीक्यूज हो रहे हैं वो अलग हैं वो अलग चीज है लेकिन अगर आप उन तीन का कोर्स लेते हैं ओके okay, में उसका लिंक है अभी पिछले साल काफी बच्चों ने वो कोर्स लिया था और काफी हेल्प हुआ था बच्चों को इस साल अभी वो कोर्स रिविजन के अंदर है अभी वो रिवाइज जो है कोर्स ऑलमोस्ट हो चुका है विद इन अ फ्यू डेज उसका एक रिवैम्प वर्जन जो है जिन बच्चों के कोर्सेज ऑलरेडी जिन्होंने पिछले साल भी लिए थे उनके वैसे वैसे खत्म नहीं हो रही है बिना टाइम वेस्ट करे देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ ठीक है तो बेसिकली क्या होता है ना यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन बना देता है जो डेफिनेशन डिराइव्ड होते हैं स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन अकाउंटेंसी इन सब्जेक्ट्स के अंदर ना वो डेफिनेशन डिराइव्ड क्वेश्चन डाल देता तो accounting है तो अकाउंटिंग किस चीज का आर्ट है ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग बी क्लासिफाइंग सी समराइजिंग डी ऑल ऑफ ओके सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एडवांस्ड आप पढ़ाई करी होगी अकाउंटेंसी की तभी आप इसको आंसर कर पाओगे बेसिक एनसीआरटी या बेसिक का अगर आपने अकाउंटेंसी करी है तो यू कैन ऑलवेज आंसर दिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब ठीक है तो अकाउंटेंसी की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं ताकि एक बेटर क्लैरिटी बने ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन है तो ये कहता है कि अकाउंटिंग देखो अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है अगर लेम लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो जो भी मैंने लेन देन किया उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अगर मैंने कुछ परचेज किया या मैंने कुछ सेल किया तो मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं बेसिकली ठीक है तो अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया अब क्लासिफिकेशन भी होता है क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है कि यार मेरी परचेज की एंट्री है ये मेरी सेल की एंट्री है ये मेरे एक्सपेंसिज की एंट्री है एक्सपेंसिज में भी पचास तरह के एक्सपेंसिज आ जाएंगे कि ये मेरी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ये मेरा सैलरी एक्सपेंस है तो क्लासिफाई करना पड़ेगा ना तभी मुझे पता चलेगा ना कि मेरा कितना किस एरिया में कितना खर्चा हो रहा है कहा मेरा मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा हो रहा है या सेल में ज्यादा खर्चा हो रहा है ठीक है तो क्लासिफाई भी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर एंड फाइनली फिर उसको समराइज भी कर रहे हैं हम एक पी एंड एल स्टेटमेंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हमने अपनी जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है जितनी ट्रांजेक्शन बनाई है उससे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है एंड फाइनली एक बैलेंस शीट बना रहे हैं तो समराइज भी कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग भी आ गया क्लासिफिकेशन भी आ गया और समराइजिंग भी आ गया है ना तो ये तीनों पार्ट कवर हो गए और यही आपका बेसिकली क्वेश्चन के अंदर था कि रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग और समराइजिंग ठीक है जी जो आपकी ट्रांजेक्शन है या इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल करेक्टर है उसको बेसिकली आप रिकॉर्ड कर रहे हो एंड दैट इज योर अकाउंटिंग तो डेफिनेशन डिराइव्ड है देर इज अनदर डेफिनेशन जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन देती है वो क्या कहती है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कॉम्युनिकेटिंग कॉम्युनिकेटिंग क्या होता है बेसिकली देखो अब कंपनी अक, के अकाउंट मल्टीपल लोगों को इंटरेस्ट होता है अलग अलग उसके स्टेक होल्डर होते हैं उसमें सरकार को भी इंटरेस्ट है जनता को भी इंटरेस्ट है ठीक है शेयर होल्डर को भी इंटरेस्ट है कि भाई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या नहीं चल रही है तो बेसिकली कॉम्युनिकेशन भी एक यहां पर पार्ट आ जाता है ऑल राइट सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग नंबर वन सिटीजन टू रिसर्चर थ्री गवर्नमेंट अब यहां पर देखो क्वेश्चन कितना आसान है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कितना बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पेपर के अंदर श्योरली अभी तो आपको लगेगा कि सर ये क्या हलवा क्वेश्चन दे रहे हो क्या बट पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर होता है पेपर का पेपर का पेपर में सिर्फ क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते पेपर में प्रेशर जो है वो आसान क्वेश्चंस को भी मुश्किल बना देता है अब यहां पर देखो ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए वन टू थ्री बी थ्री सी वन एंड थ्री डी टू एंड थ्री तो थ्री तो है ही है सरकार ये बच्चे फिर भी इजीली प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यार सरकार इंटरेस्टेड होगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में टैक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिटीजन और रिसर्चर क्योंकि हर कोई इसको डी नहीं कर पाएगा कि यार क्या ये सिटीजन और रिसर्चर के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले तो आपका ऑप्शन ए वन टू एंड थ्री ठीक है तीनों पार्टी इंटरेस्टेड है तो देखो इंटरेस्टेड पार्टीज के नाम देखो कौन कौन है सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स ठीक है जी जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं अब जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं उसको तो इंटरेस्ट रहेगा ही ना कि भाई कंपनी के अकाउंट्स देखेगा वो कि घाटे में चल रही है नुकसान में चल रही है खर्चे कहां पर हो रहे हैं ठीक है तभी तो वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा तभी तो वो अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करेगा परस्पेक्टिवेक्ट इन्वेस्टर अब उस कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के अकाउंट्स को देखेगा कि यार मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं करना है वो उसको उसके अकाउंट से पता चल जाएगा कि हाँ यार, यार ये कंपनी प्रॉफिटेबल है इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा है लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स जिन लोगों ने कर्जा दिया हुआ है कंपनी को उनको ये देखना है कि जो उनका कर्जा उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है मैनेजर्स ताकि वो फ्यूचर में डिसीजन ले सकें पिछले कंपनी के अकाउंट्स देख करके उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार हमारा यहाँ पर खर्चा ज्यादा हुआ था फॉर एग्जाम्पल हम इस खर्चे को अगर कम करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो उस बेस पे डिसीजन ले लेंगे सरकार जैसे कि मैंने आपको कहा टैक्सेस के लिए इम्प्लॉई इंप्लॉय को भी तो देखना है ना कि यार मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं कल को ये कंपनी बचेगी भी कि नहीं बचेगी क्या मेरी जॉब यहाँ पर सिक्योर है कि नहीं है ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के वाधे हो रखे हैं और कभी ना कभी ये मेरे को कंपनी निकाल देगी तो इम्प्लॉय भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड है रिसर्चर इंटरेस्टेड है ताकि वो अपने रिसर्च वर्क पब्लिश कर सके कंपनी की अकाउंटिंग सिचुएशन देख करके वो अपना रिसर्च करेगा कि हाँ भाई ये इस कंपनी में कमी थी इस कंपनी में के अकाउंट्स ऐसे ठीक किए जा सकते थे फाइनली सिटीजन सिटीजन को अकाउंट्स से देखो क्या फर्क पड़ता है अब सिटीजन इज ऑल्सो वॉन्टिंग टू सी कि ये जो कंपनी के अकाउंट्स चल रहे हैं क्या ये एक सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे हैं क्या कंपनी के अकाउंट्स में कहीं पर भी चैरिटी या सोशल ऑब्लिगेशन कंपनी फुलफिल कर रही है तो वो सिटीजन को भी इफेक्ट करेगा सिटीजन के पास जो टैक्सेस आने हैं जो सरकार टैक्सेस कलेक्ट कर रही है वो भी सिटीजन को इंपैक्ट करेगा तो डेफिनेटली ये सारे के सारे इंटरेस्टेड पार्टीज के अंदर आ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है पहली स्टेटमेंट कहती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस में है दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ओनली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बार बार बोल रहा हूं करेक्ट इनकरेक्ट को सर्कल कर लेना पेपर के अंदर तो इनकरेक्ट यहां पर पूछा है ठीक है वन ओनली टू ओनली बोथ ऑफ दी दब नन ऑफ दी अब इनकरेक्ट पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो राइट right आंसर यहां पर दोस्तों क्या है आपका ऑप्शन बी टू ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है पहला स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है और सेकेंड क्यों इनकरेक्ट है वो देखते हैं तो देखो जी ऑब्जेक्टिव तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं है ना जो भी बेसिकली अमाउंट में डेडिकेट कर सकते हो आप ओके okay, वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है सारे खर्चे देख लिए सारे इनकम देख लिए प्रॉफिटेबिलिटी फाइनली हम निकाल लेंगे ओके okay, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है अब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना इसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था कि ये एक ही होती है दो होती हैं एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होती है जिसमें ये होता है कि कहां से सारा पैसा आया कहां पर खर्चा हुआ और दूसरी होती है आपकी फाइनल बैलेंस शीट जिसके अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन है ऑप्शन ए रिकॉर्ड्स ओनली एक्चुअल कॉस्ट ऑप्शन बी प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन सी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ होल कंसर्न डी All of the above. इन में से कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है कमजोरी है financial accounting की? A, B, C, D. किसको consider करोगे? अच्छा question है। अगर फाइनेंशियल क्लियर है तभी आंसर हो सकता है ये तुक्का नहीं लगाना इसके अंदर ओके सो द राइट आंसर गाइज एयर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ ये स्टेटमेंट इनका जो है लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो लिमिटेशंस को समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ताकि कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो तो सबसे पहली लिमिटेशन होती है कि ये इसका हिस्टोरिक नेचर है हिस्टोरिक नेचर का क्या मतलब हुआ यार अकाउंट्स में तो हम आज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है और जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब वो फाइनल रिजल्ट हमको पता चलेगा कि हाँ यार इनकम एक्सपेंडिचर हम देखेंगे तो क्रिटिसाइजर्स कहते हैं कि अब तो हमें पास्ट ट्रांजेक्शन का पता चल रहा है ना जो पूरे साल में ट्रांजेक्शन हुई तो ये कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करेगा फ्यूचर के अंदर क्या आपका कुछ और सिचुएशन हो ओके सो वी कैन नॉट से ये कंप्लीटली हेल्प कर रहा है ये अधूरा है उसमें मैनेजर्स को और चीजें देखनी पड़ेंगी फ्यूचर में डिसीजन लेने से पहले एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है अब मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा आज ठीक है फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है जो आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं फॉर एग्जांपल एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक रिकॉर्ड होती हैं ठीक है अब मैंने आज कोई गुड परचेज कर लिया मैंने फॉर एग्जांपल सौ रुपए का था वो परचेज कर लिया कब परेज किया मैंने तीस अप्रैल को फॉर एग्जाम्पल परचेज किया अब इकतीस मैंने तीस अप्रैल को सौ रुपए कर दिया है ना अब इकतीस मार्च को मेरे अकाउंट्स की बुक्स बन रही हैं नेक्स्ट ईयर में ठीक है फॉर एग्जांपल ये लगा लो तीस अप्रैल 2023 था अब ये इकतीस मार्च 2024 हो गया ठीक है तो जब मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड हो रही है ना तो ये सौ रुपए की चीज मैंने खरीदी थी ना इसका आज की डेट में मार्केट प्राइस दो हो गया है, लेकिन मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में तो ये अभी भी सौ है क्योंकि मैंने तो जब ट्रांजेक्शन दो सौ लेकिन मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में सौ तो ही शो हो रहा है तो अल्टीमेटली मेरे को सौ रुपए मेरा जो गुड़ मैंने सौ में खरीदा तो दो सौ का हो गया तो अल्टीमेटली मतलब मेरे को फायदा हुआ लेकिन जो मेरा शेयर होल्डर है बेचारा उसके हिसाब उसको तो वो इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी भी जो बुक ऑफ अकाउंट में पैसे रिकॉर्डिंग है वो तो सौ रुपये ही है तो ये एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि प्राइस ओवर द टाइम चेंज हो सकता हो जाता है इसमें नुकसान भी हो सकता है क्या पता है सौ का पचास रह जाता तो दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता ठीक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कहीं पर भी जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है कि भाई कंपनी ने सोशल ऑब्लिगेशन में क्या इंपैक्ट किया या पॉल्यूशन के ऊपर कंपनी का क्या इंपैक्ट पड़ा वो सब चीजें इसके अंदर नहीं आएंगी ओके प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होल कंसर्न ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ये दो मेन स्टेटमेंट है तो इसमें ना ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल व्यू कर किया जाता है कि कितना पैसा आया कितना खर्चा हुआ फिर एसेट लाइबिलिटी ये सब हमने स्टेटमेंट्स अपने बना दिए लेकिन अब एक कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं अलग अलग प्रोसेसिस हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर एक पूरे के पूरे कंपनी को स्कोप लेकर के चला जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि किस प्रोडक्ट की के अंदर प्रॉब्लम है किस प्रोसेस के अंदर है किस डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम है वो नहीं पता चल पाता क्योंकि इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स हम नहीं बना रहे ना हम तो एक कंसर्न का हमारे पास व्यू आ गया उसके बाद प्राइस फिक्सेशन के अंदर डिफिकल्टी आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से ठीक है अब देखो एक कंपनी के अंदर कितना कॉस्ट आया एक प्रोडक्ट को बनाने को वो कब पता चलेगा जब सारे एक्सपेंसेस हो चुके होंगे ठीक है अब सारे एक्सपेंसेस एक साथ पता चल सकते हैं नहीं पता चल सकते क्योंकि एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता ना जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो क्या सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदा और वो हो गया रॉ मटिरल आएगा उसको स्टोर करना पड़ेगा उसका खर्चा अब स्टोरेज ऐसा तो नहीं है कि आया एक दिन के लिए स्टोर किया अगले दिन बन गया तो कुछ खर्चा नहीं हुआ खास हो सकता है कि छह महीने तक का आपने रॉ मटीरियल खरीद के रखा हो तो उसको रखने के लिए जगह लेना पड़ेगा उसका रेंट हो गया ठीक है उसके बाद उसको सेफ रखना पड़ेगा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा उसका खर्चा हो गया लेबर का खर्चा हो गया ठीक है तो बड़े सारे खर्चे हो गए ना अब ये खर्चे तो चलते रहेंगे पूरा साल ऐसा थोड़ी है कि आज आपने रॉ मटेरियल ले लिया तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई मेरा इतना खर्चा हुआ और इसके हिसाब से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ही हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्प्रेड है तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको आज की डेट में ये नहीं पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा इतना कॉस्ट आएगा क्योंकि खर्चे वेरिएबल कॉस्ट भी हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आप टैक्सेस दोगे सरकार को वो भी खर्चे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब इंफॉर्मेशन नहीं देता क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो जो ट्रांजैक्शन हो चुकी सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेगा जो आगे खर्चे होने हैं उसको थोड़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है कि भाई मैंने दो महीने का रेंट देना है तो उसको थोड़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो तो जब आप रेंट दे दोगे तब रिकॉर्ड करेगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सेट करने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको हेल्प नहीं कर पाएगा ये इसके सारे लिमिटेशन है चलिए फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच अकाउंटिंग इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का वन ऑफ द फंक्शन है ऑप्शन है प्राइस फिक्सेशन बी रिड्यूस वेस्टेज सी क्वोटिंग फॉर टेंडर डी ऑल ऑफ द दब अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट्स की तो वो इसको आंसर कर सकता है यहां पर आपका आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी दब सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग को समझ लो क्या होता है सिंपल देसी भाषा के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपकी कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है जो आप खर्चे कर रहे हो ना उसका खाता मेंटेन किया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो सारे यहां पर रिकॉर्ड होते हैं अब कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है बेसिकली ये समझ लो उससे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा अब क्योंकि हर तरह के खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं ठीक है तो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रही है क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी कॉस्ट है वो आप सब रिकॉर्ड करोगे ठीक है कोई जॉब है जॉब के खर्चे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी को आप सैलरी दे रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट पे या कोई तो वो सब खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं ठीक है क्योंकि आप खर्चे रिकॉर्ड कर पा रहे हो तो आपको एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का आइडिया लग रहा है कि प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा होता जा रहा है तो आपको प्राइस फिक्सेशन के अंदर या अगर आपको कोट करना है तो उसके अंदर आपको हेल्प करेगा ठीक है जी एंड एस्टिमेट्स प्रिपेयर करने में टेंडर्स फिल अप करने में हेल्प करेगा जब आपको आपके खर्चे सारे एक जगह पे दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से खर्चों को कम कर सकते हो ठीक है दैट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओके एंड बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी डिपार्टमेंट्स की और प्रोसेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी सो अल्टीमेट एम जो होता है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का वो होता है कि कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके ओके okay? उसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं रिड्यूसिज uh, वेस्टेजेस क्योंकि क्लियरली आपको हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ यार ये खर्चा वेस्टेज हो रहा है एंड डेटा आपको कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करेगा ताकि आप डिफरेंट पीरियड्स के अंदर क्या कॉस्ट के अंदर चेंज आया है वो आपको पता चल सके कि भाई पहले रॉ मटेरियल इतने का आता था अब इतने का आया पहले वेजेस इतनी देनी पड़ती थी अब इतनी देनी पड़ती हैं तो एक वो कंपेरिजन भी आपके लिए क्रिएट यहां पर हो जाता है ओके गाइस सो दीज वर द क्विक फाइव क्वेश्चन एंड डेफिनेटली अगर मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो सीरीज को कंटिन्यू जरूर करेंगे अगर आपको मजा आया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टेक केयर एंड बाय